को खाना देता है, इसलिए मैं आना चाहता हूं, मैं गिरना चाहता हूं, जब मैं काम कर रहा हूं मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा, बोल के बोलता है रेन, द रेन इज अनस्टॉपेबल, द रेन इज नेचुरल जग्गरनॉट, प्रकृति का जग्गरनॉट है ये, इसको कोई नहीं रोक पाएंगे। ये क्या है? नदी, जहां पर पहाड़ों में पर्वतों की जन्म होता है, वहां से कई मिलन दूर उनकी सफर चलती है, बाद में समुद्र के गर्भ में उनकी मिलन होता है। कृष्णा, गोदावरी, गंगा, यमुना, नर्मदा, तपती, महानदी, कई सारे जीवन नदियों बहते रहते हैं, नदी बहते रहते हैं, कोई रोक पा सकते हैं? कोई नहीं रोक पाएंगे। मैन में कम, मैन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर, नदी गोस ऑन फॉर एवर, नदी फ्लोस अनस्टॉपेबली, क्योंकि उनकी हजारों मीलों की दूर में कई सारे लाखों एकड़ों की जमीन को पानी देना चाहिए, जहां पर किसानों खेतों में पैदावारी लेते हैं, और करोड़ों लोगों को पीने के लिए पानी भी जरूरत है, पानी देना चाहता हूं, और चाहे तो विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी काम में आऊंगा। सो इसलिए नदियों, द रिवर इज अनस्टॉपेबल, द रिवर इज अनस्टॉपेबल, जग्गरनॉट प्रकृति की जग्गरनॉट है। ये क्या है? ये चीज क्या है? गैलेक्सी, वेरी गुड, कौन बोला? थैंक यू सर। गैलेक्सी, कॉस्मोस, विश्व, विश्व भी एक जगह पे नहीं है, एक जगह पे कभी भी नहीं है, यीशु घूमती रहती है, और वो विश्व में एक तारा है जो हमारे को सबसे नजदीक तारा, वो क्या है? सूरज, सन, वो भी एक जगह पे नहीं रुकती है, वो भी कंटिन्यूअसली, द सन इज मूविंग कंटिन्यूअसली, वो सूरज की भ्रमण में, सूरज के भ्रमण में हमारा धरती भी कंटिन्यूअसली अनस्टॉपेबली, कभी नहीं रोका, एक सेकंड दो सेकंड के लिए भी नहीं रोका, वो भ्रमण करती रहती है, और वो अपनी एक्सेस के ऊपर भी भ्रमण करती है, एक बार धरती अपने एक्सेस पर भ्रमण करने के लिए 24 घंटा लेता है, सूरज की तरफ एक बार पूरा एक भ्रमण लेने के लिए कितना दिन लेता है? 365 दिन लेता है। ये भ्रमण तो होना चाहिए, अर्थ हैज टू मूव अनस्टॉपेबली, ये आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमको समर होना चाहिए, विंटर होना चाहिए, रात होना चाहिए, दिन होना चाहिए, बारिश आना चाहिए, हमको ऋतुओं, सीजन्स, मौसम कैसा होना चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए। अर्थ इज अनस्टॉपेबल, धरती लाखों सालों से ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा, द अर्थ इज अनस्टॉपेबल। यस, बीज, हम सब एग्रीकल्चर से डील करते हैं, बीज को हम क्या करते हैं? जमीन में डाल देते हैं, जमीन में घुसाते हैं, उसके ऊपर मिट्टी भी डालते हैं उसके ऊपर, उसको बरी करते हैं जमीन में, अंधेरे में घुसा जाते हैं। क्या वो बीज जमीन के नीचे हमेशा के लिए बरी होकर रहना चाहती है? नो। क्या वो बीज हमेशा के लिए वो अंधेरा में ही रहना चाहती है? नो नो। अंकुरण लेना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, एक पौधा बनना चाहते हैं, पौधा बड़ा होके एक पेड़ बनना चाहते हैं, पेड़ बड़ा होके एक वृक्ष बनना चाहते हैं, वो वृक्ष भी बड़ा होके एक महावृक्ष बनना चाहते हैं। बीज जैसा जमीन के अंदर अंधेरे में पूरी जिंदगी गुजरना नहीं चाहते, क्योंकि उसका प्राण है, बीज के लिए बीज में प्राण है, आप में प्राण है, मेरे में प्राण है, बीज उनकी जो कोई भी नहीं रोक सकता है, आना चाहते हैं, खाना देना चाहती है। लुक एट दिस, से छोटा बीज है, वो बीज से हमको बड़ा वृक्ष, महावृक्ष मिलता है, क्योंकि उनको पर्पस है सेवा, उनकी पर्पस है, द पर्पस, एक सेवा करने की पर्पस, उद्देश्य है उसके लिए, एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? मैं बाहर आना चाहता हूं, एक जैसा नहीं रहना चाहते हैं, एक बीज एक
एक पौधा आता है, एक टमाटर लीजिए, काटन लीजिए, मक्का लीजिए, कोई भी है, और एक से 50 टमाटर फ्रूट्स होता है, एक एक टमाटर में 70-100 बीज होता है, तो एक बीज देखेंगे तो हजारों बीज की तरफ उनकी रूपांतर हो जाता है। द सीड इज अनस्टॉपेबल। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, ये अनस्टॉपेबल चीजों की उदाहरण दे रहा हूं। और यहां पर देख लीजिए, कृष्ण भगवान की जन्म रोकने के लिए कई सारे प्रयत्न हुआ था, बट उनको कोई नहीं रोक पाया। पहली प्रयत्न जब कंस ने उनकी बहन देवकी और ब्रदर इन लॉ वसुदेव को रथ के ऊपर लेके जा रहा है, और आकाशवाणी बोलते हैं, कंस जो बहन को तुम इतना प्यार करते हो, जो आपके रथ के ऊपर लेके जा रहे हो, उन्हीं की बेटा से आपकी मौत है। तो अचानक कंस ने रथ को रोकता है और बहन को रथ से नीचे लाते हैं और तलवार निकाल के उनको मारना चाहते थे। बीच में वसुदेव आते हैं, बोलते हैं, देखिए बहन से आपको कोई खतरा नहीं है, उनकी जो जन्म हुए वाला बच्चों से खतरा है, जो भी जन्म उनके बच्चे होते हैं और वो बच्चों को हम आपको दे देते हैं, उनको मार डाल दीजिए, आपकी बहन को छोड़ दीजिए। जो कंस छोड़ देते हैं, पहली प्रयत्न कृष्ण भगवान की धरती पर आने की रोकने की पहले प्रयत्न विफल हो जाता है। बाद में उनको जेल में डालते हैं, बंद करते, ताला भी लगाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स को रखते हैं, और उस रात जब कृष्ण भगवान की जन्म हुआ, सभी गार्ड लोग सो गए हैं और वो जो प्रिजन की जो दरवाजे खोल गए, और जब बाहर आया तो बहुत बड़ा बारिश हो रहा था। ऐसे ही वसुदेव बारिश में आया, 5 सिर वाले का सांप आके उनको रक्षा किया। जब आगे गए वहां यमुना नदी बहुत बहुत फेरोशियसली चल रहा था, और वहां पे भी जब एक कदम रखा, यमुना नदी भी उनको रास्ता दे दिए, गोकुल में गए, कृष्ण भगवान को यशोदा माँ के घर में रखे और वापस आए। कोई भी कैसे भी परिस्थिति, सिचुएशन, स्थिति, मानव, कोई भी उनको रोक नहीं पाया। भगवान इज अनस्टॉपेबल, वो आते हैं, बार बार आएंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए और बुरे लोगों की शिक्षा करने के लिए, इस धरती को रक्षा करने के लिए, जब भी जरूरत पड़े मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा बोल के भगवान ने बोले थे। द गॉड इज अनस्टॉपेबल। ऐसे ही द गुड इज अनस्टॉपेबल। जो भी अच्छे काम करना चाहते हैं, वो अच्छे लोगों को, अच्छे काम करने वालों को कोई नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि द गॉड इज अनस्टॉपेबल और गुड इज अनस्टॉपेबल। द गुड इज अनस्टॉपेबल। द गुड इज अनस्टॉपेबल। सो जगरनॉट।